स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने टिश्यूज का रिवीजन किया था, है ना। उसका एक बार शीट मैं आप लोग को आज या कल शेयर करूंगा, तो अपन फिर से डिस्कस करेंगे। मतलब एक बार और आप लोग अपने एंड से रिवाइज करो टिश्यूज, कुछ डाउट आएगा तो अपन एक क्लास और टिश्यू में लेंगे, ठीक है। आज इन चैप्टर का और रिवीजन रिवीजन करते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन पूरा आ रहा है मास, पूरा सर, ठीक है। चलो तो इसको डिस्कस करते हैं। ग्रेविटेशन में अपन क्या क्या पढ़ते थे। बेसिकली एक लॉ होता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेसिकली ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स बोल लो, एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अट्रैक्टिव काइंड का फोर्स है ना, रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। और वो हर दो बॉडी के बीच में होता है, विच हैज गॉट सम मास। और पता है कि हर बॉडी का कुछ ना कुछ मास तो होता ही है, ठीक है। तो उस उन दोनों के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम ग्रेविटेशन बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने क्या लॉ दिया था, दैट वाज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हिच स्टेट्स दैट अगर दो ऑब्जेक्ट है विद मास एम वन एंड एम टू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है दैट इज डी, या आप आर ले लो, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू डिपेंड्स अपॉन, डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आप जब इनको हटाओगे, प्रोपोर्शनलिटी से हटाओगे, तो यू विल बी मल्टीप्लाइंग अ कांस्टेंट दैट इज कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। वेयर जी इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, है ना, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11, और इसका यूनिट यूनिट क्या हो जाएगा, देखो ना, सबको उधर लिख के जी को एक साइड रखो, दे रहे हो कि रिसेप्ट कर दो, तब वो एक लाइन उससे रिसेप्ट कर देने वाला, ठीक है। क्या हो जाएगा, आप एफ जी को इधर रखो, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दो, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, कुछ ऐसा होगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू होगा। एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, आर का यूनिट मीटर स्क्वायर, आर मीटर होता है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मास का यूनिट केजी, जो ऊपर जाके केजी स्क्वायर पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इसका यूनिट क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तो दो बॉडी के बारे में बात हो गई। अब वो दो बॉडी कोई भी हो सकती, आप, मैं बॉटल, मैं अर्थ, सबका मास है ना, ठीक है। तो हम अपने आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे, उसका कारण है कि हमें एक और बॉडी है जो बहुत हैवी है, जो अट्रैक्ट किए हुए पहले से, जो कि है अर्थ। समझ रहे हो क्या बोलता हूँ, ठीक है। तो ये आपका लॉ हुआ, क्लियर एवरीवन, ठीक है। अब अगर यही काम अपन अर्थ के साथ करते हैं, कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम वन है और एक अर्थ है जिसका मास कैपिटल एम है, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, है ना। तो एफ इज इक्वल टू एम जी एम एम वन अपॉन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि रेडियस होगा, है ना। एक आदमी यहाँ पे खड़ा है ना, लाइक यहाँ पे, और अर्थ का सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना होगा, ये रेडियस, सेंटर फोर्स है ये। किस टाइप का फोर्स होता है ये, सेंटर फोर्स, यानी कि वो सेंटर टू सेंटर एक्ट कर रहा है, हमको अर्थ का सरफेस नहीं खींच रहा है, हमको अर्थ का सेंटर खींच रहा है। तो कोई भी दो बॉडी होता है उसका सेंटर होता है, तभी अपन बोलते हैं कि ग्रेविटेशन इज अ सेंट्रल फोर्स, वो भी अट्रैक्टिव टाइप ऑफ फोर्स, नेवर रिपल्सिव, है ना। आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव नेचर के हो सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव नेचर का हो सकता है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, बट ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का ही होगा, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी दो बॉडी के बीच का फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हो, बशर्ते आपको दोनों का मास पता होना चाहिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस। अर्थ का किसी बॉडी का डिस्टेंस उसका रेडियस के बराबर होता है, अर्थ का किसी बॉडी का डिस्टेंस क्या होता है, उसके रेडियस के बराबर। हमने क्या क्या वैल्यू लिखी थी, किसी को याद है, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, 6 इंटू
सिक्स इंटू टेन टू दावर 24 के जी लिखे थे क्या, देखो एक बार चेक करो, है कॉपी ठीक है ना, ये 6 point something तो नहीं है ना, 6 into 10 to the power 24 के जी आपका अर्थ का मास अपन ने लिखा था, और रेडियस क्या लिखे थे 6.4 into 10 to the power 6 meters, ये इसका रेडियस। अब अगर आप अगर ग्राउंड से 5 meter पे हो तो 5 meter थोड़ा आप ऐड करोगे इस पे कि चलो पर प्लस 5 meter और ऐड कर लिया, इतना बड़ा वैल्यू है कि उसमें 5 meter तो कोई मायने नहीं रखे ना, तो अपन वो 5 meter को इग्नोर कर सकते हैं। बट हाँ अगर आप बहुत ज्यादा हाइट पे हो तब आप उस हाइट को इग्नोर नहीं कर सकते, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, तब फोर्स ऑफ ग्रेविटी कुछ और हो जाएगा, डिस्टेंस चेंज होगा ना। अभी आर का वैल्यू अपन ने क्या लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस अपन ने क्या लिया, रेडियस ऑफ अर्थ। अगर आपका डिस्टेंस अर्थ सर्फेस से बहुत ज्यादा है तो आप रेडियस प्लस आपका हाइट भी लोगे अर्थ से, इफ दैट हाइट इज वेरी हाई, 4-5 meter, 15-20, 100-200 meter, 500 meter, 1000 meter तक इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, और जहां और ज्यादा होगा उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हमें क्लियर, ठीक है। तो ये बात होगी अर्थ के साथ, अर्थ का अपन ग्रेविटेशनल पुल भी निकाल सकते हैं कि कितने एक्सेलरेशन से वो पुल कर रहा है। एक्चुअली क्या होता है, कोई बॉडी अगर है तो उस पर एक फोर्स अपन ने पढ़ा है एम इंटू ए, याद है, एक बॉडी अगर फ्री फॉल हो रही है, जैसे किस पेन की बात करता हूं मैं, ये पेन नीचे गिर रहा है तो इसके ऊपर फोर्स ए कितने फोर्स से गिर रहा होगा, जितना इसका वेट होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, राइट, हो गया ऐसा ना। और अभी जो हमने फोर्स की बात करी वो फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज जी एम अर्थ, ये एम इसका मास अपॉन आर स्क्वायर, यही तो फोर्स है जिससे अर्थ उस बॉडी का, ये पैन नीचे क्यों जा रहा है, एक तो उसका वेट भी है विच इज एम इंटू ए फोर्स, है ना, और एक ग्रेविटेशनल पुल भी है विच इज जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये एम क्या है अर्थ का मास, ये स्मॉल एम क्या है इस पेन का मास, समझ रहे, और ये दोनों फोर्स बराबर है तभी तो उसी फोर्स से तो वो नीचे जा रहा है, आप दोनों को इक्वेट कर सकते हो, एम ए इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, एम एम क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ए क्या हुआ जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इस पेन पे इतना एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इस एक्सेलरेशन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको ए ना बोल के अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से, बिकॉज दैट इज एक्सेलरेशन है, वो उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा, बट वो एक्सेलरेशन हुआ किसके कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटी के कारण, तभी अपन इसको ए ना लिख के जी लिखते हैं, तो दिस इज द ग्रेविटी ऑन अर्थ, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी भी प्लैनेट का ग्रेविटी किस पे डिपेंड करेगा, उसके मास के ऊपर और उसके रेडियस के ऊपर, के मास और उसके रेडियस पे, जी तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, और वो तभी तो उसका नाम भी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, क्योंकि वो थ्रू आउट द यूनिवर्स उसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ही होगी, बट स्मॉल जी रेडियस और मास के कारण चेंज हो सकता है, इसलिए हर प्लैनेट का ग्रेविटी सेम नहीं होता, अर्थ का अपन यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, अभी जो पीछे वैल्यू देखिए 6 × 10⁻¹⁴ और रेडियस क्या देखिए 6.4 × 10⁻¹⁶, आप वैल्यू पुट करो आपको जी कितना निकलेगा 9.8 meter per second square, इसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली 10 meter per second square लिख सकते फॉर कैलकुलेशन पर, कैलकुलेशन इजी करने के लिए यू कैन राइट 10 आल्सो। तो एक फ्री फॉल बॉडी या एक बॉडी जिसको आप हाइट पे फेंक रहे हो उनमें क्या लगता है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके सारे इक्वेशन अपन चेंज करके वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी कर लेते हैं, जो अपन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ते थे ना उसको वी इक्वल टू यू प्लस जी टी बोल देते हैं, एच एफ की जगह एच आ जाएगा, नीचे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको अपन एस बोल देंगे और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको अपन हाइट बोलते हैं, तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड थर्ड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच, ये तीनों इक्वेशन हमारे मोशन के जो इक्वेशन थे वो एक फ्री फॉल बॉडी के लिए कुछ ऐसे हो जाते, और फ्री फॉल इक्वेशन में अपन जी की वैल्यू माइनस लेते हैं कब, जब जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, और जी की वैल्यू पॉजिटिव कब लेते हैं, जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है टूवर्ड्स ग्रेविटी,
ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जी की वैल्यू का ध्यान रखेंगे कि जी को पॉजिटिव लेना या जी को नेगेटिव लेना है, मैं क्लियर ठीक है मेरे यहां तक। हां ओके, तो अगर मुझे मून की ग्रेविटी निकालनी कि मून में ग्रेविटी कितनी है, मून कितने एक्सेलरेशन से किसी बॉडी को अपनी तरफ पुल कर पा रहा है, तो उसके लिए आप यहां पे एम की जगह क्या रखोगे, मून का मास, आर की जगह क्या रखोगे, मून का रेडियस, समझ गया। तो आपका जो ग्रेविटी का वैल्यू है वो आर यानी कि नीचे जो रेडियस है उस पर डिपेंड कर रहा है और उस प्लैनेट के मास पे डिपेंड, ठीक है। अब अर्थ भी एक्चुअली अपन बोलते हैं कि अर्थ स्फेरिकल है बट इट इज नॉट प्योर स्फेरिकल, ठीक है, वो थोड़ा सा एलिप्स टाइप का है, कैसा है, एलिप्स, ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट है और साइड से थोड़ा सा निकला हुआ, क्लियर होता तो वो चारों तरफ से यूनिफॉर्म होता है ना, बट यहाँ पे ऐसा नहीं, इधर से वो थोड़ा सा फैला हुआ है और नीचे से थोड़ा दबा हुआ है, एलिप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एलिप्स, ठीक है। तो अब एलिप्स इसी इसी शेप की ऑर्बिटल्स भी होती है, अगर ये आपका सन है तो सन के अराउंड प्लैनेट्स इलेप्टिकल ऑर्बिट पर ट्रैवल करते हैं, अपन केपलर लॉ भी देखेंगे, केपलर के तीन लॉ है, पढ़ा है स्कूल में केपलर के तीन लॉ है, और इस पार्ट को हम इक्वेटर बोलते हैं। आपको देख के लग रहा है ना कि अर्थ का जो सेंटर से पोल का डिस्टेंस कम है, इसको अपन आर भी बोल सकते हैं रेडियस ऑफ पोल, और इसको हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ इक्वेटर, जो हमें दिख रहा है कि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल, दिख रहा है ये? तो अगर आर की वैल्यू इक्वेटर पे ज्यादा है पोल पे कम है, तो जी का वैल्यू देखो किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी एट अर्थ इज इक्वल्स टू जी, मास तो सेम है, अपॉन आर, इक्वेटर निकाल रहा हूं तो आर ई स्क्वायर करूंगा, और अगर मैं पोल निकाल रहा हूं तो मैं आर पी स्क्वायर करूंगा, समझ रहे हो। आप यहां खड़े हो तो यहां पे आपका ग्रेविटी आप अलग फील करोगे और यहाँ ग्रेविटी अलग फील करोगे, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ना, रेडियस पे डिपेंड करेगा कि आपसे सेंटर कितना दूर है, आपसे सेंटर कितना दूर है, तो आर की वैल्यू जितनी कम होगी ना, आर की वैल्यू जितनी कम होगी ग्रेविटी उतनी ज्यादा होगा, तो क्योंकि हमारा आरपी जो है इट इज लेस देन आरई, इसलिए जीपी इज ग्रेटर देन जीपी, ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, आर जिसका ज्यादा ग्रेविटी वहां कम, ठीक है, आर जिसका कम ग्रेविटी वहां ज्यादा, ठीक है, इसलिए पॉइंट हुआ। हाइट पे भी डिपेंड करेगा ना एच, क्योंकि आप देखो आप अगर अर्थ के सरफेस में नहीं हो, आप मान लो यहां खड़े हो तो आपके ऊपर ग्रेविटी लग रही है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, पर अगर आप अर्थ से एक हाइट पे हो, जैसे वो हाइट क्या है एच, पहले यहां पे सिर्फ आपके और सेंटर के बीच में रेडियस था, बट अब आपके और सेंटर के बीच में रेडियस भी है और हाइट भी, क्या आप एक हाइट पे, आप एक एल्टीट्यूड पे, आप माउंटेन के टिप पे, ठीक है, तो अब आपकी ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जी एम अपॉन आर प्लस एच का, तो आपकी ग्रेविटी वहां क्या कम फील करूंगा, इसके अलावा हम और इस चैप्टर में क्या देखते थे, वेट, वेट और मास देखते हैं ना, तो वेट के लिए अपन क्या बोलते हैं कि वेट इज द फोर्स विच योर बॉडी या योर विच योर मास एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड, जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे तो मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ अर्थ के ऊपर, अर्थ सर्फेस के ऊपर, दैट इज नोन एज वेट, मैं अर्थ सर्फेस के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा हूँ दैट इज नोन एज वेट, ठीक है, और मास क्या होता है, इट इज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द बॉडी, उस बॉडी का एक्चुअल कंटेंट क्या है, मैटर का कंटेंट कितना है, वो फोर्स कितना लगा रहा है वो अलग बात है ना, ये पेन का मास क्या है वो अलग बात है, पर जब इस पे आप किसी चीज पे रखोगे तो वो उस सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा है इसका मास, वो किस पे डिपेंड करेगा कि इसको अर्थ कितने तेजी से नीचे खींच रहा है, मतलब जी, तो एम इंटू जी इज वेट, और ये तो आपका मास है,
ठीक है, तो वेट इज नथिंग बट अ फोर्स, वेट क्या होता है, एक तरह का फोर्स, ठीक है। तो तीन चार डिफरेंस के पॉइंट याद रखेंगे वेट और मास में, पहला है उनका डेफिनेशन कि मास होता है इट इज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ दैट मैटर, वेट क्या होता है इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दैट मैटर ऑन द ग्राउंड या अर्थ, उसको हम वेट बोलते हैं। सेकेंड उनके यूनिट्स, मास का यूनिट क्या हो जाएगा ग्राम किलोग्राम, क्योंकि वो तो मास है ना वेट, ठीक है, और वेट का यूनिट क्या होगा न्यूटन, क्योंकि वो फोर्स है, तो वेट का यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन। क्लियर है आप? ओके, अगला वेट जीरो हो सकता है, वेट क्या हो सकता है जीरो हो सकता है, क्यों, क्योंकि एट सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटी जीरो होती है, अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी क्या होती है जीरो, तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ यू विल बी वेटलेस जीरो, ठीक है, बट मास कभी जीरो नहीं हो सकता, मेरा क्लियर, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। वेट जगह से जगह पे वेरी करेगा, क्योंकि जगह टू जगह पे जी का वैल्यू वेरी कर रहा है, इफ जी इज वेरिंग तो वेट वेरी करेगा, आपका वेट मून में कम होगा, आपका वेट अर्थ में ज्यादा है, आपका वेट पोल में क्या होगा, पोल में ग्रेविटी ज्यादा थी तो आपका वेट पोल में ज्यादा होगा, आपका वेट इक्वेटर में कम होगा, क्योंकि ग्रेविटी कम ज्यादा है, पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है ना, क्योंकि आर कम है तो ग्रेविटी ज्यादा है, तो पोल में अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो आपका वेट पोल में ज्यादा होगा, इक्वेटर में रेडियस बड़ा है, जी का वैल्यू छोटा हो जाएगा तो वेट कम होगा, ऐसे ही एक डिफरेंस इस चैप्टर में आ सकता है जी एंड जी के बीच, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, पहला डिफरेंस तो नाम लिखते ना कि इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दूसरा यूनिट का डिफरेंस हो जाएगा, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा डिफरेंस इसकी वैल्यू हर जगह कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट द यूनिवर्स बट इसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, ये तीन चार डिफरेंस जी के याद रखेंगे, कैपिटल जी और स्मॉल जी, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मास वेट, ये हो गया। अच्छा, वेट ऑन अर्थ एंड वेट ऑन मून, इसका भी इक्वेशन अपन पढ़े थे कि मून में जो ग्रेविटी होती है ना, मून की जो ग्रेविटी है दैट इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, मून में जो ग्रेविटी है दैट इज 1/6 ऑन द ग्रेविटी ऑफ 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑन अर्थ, राइट, तो अगर मैं मून पे या अर्थ पे वेट निकालू, अर्थ पे वेट को चलो मैं डब्ल्यू ई दे देता हूं और मून के वेट को मैं डब्ल्यू एम दे देता हूं, राइट, तो ये हो जाएगा आपका एम इंटू जी ई और ये हो जाएगा एम इंटू जी एम, क्लियर है ये, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी वेट ऑन अर्थ वेट ऑन मून। अब आप बोल रहे हैं कि वेट ऑन जो ग्रेविटी ऑन मून है वो ग्रेविटी ऑन अर्थ के 1/6 है, तो आप जीएम की जगह जीई बाय सिक्स लिख सकते हो और एम इंटू जी क्या होता है वेट ऑन अर्थ, तो आपका वेट मून में वेट ऑफ वेट ऑन अर्थ का 1/6, समझ रहे, क्लियर है ये, सर ये भी रिलेशन अपन ने डिराइव किया, आप निकालोगे ना तो वो अप्रोक्सीमेटली 1.6 कुछ आता है ग्रेविटी ऑन मून, आप बोल रहे ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना है 9.8 है ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो मून के लिए आप 1/6 कर दो, 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो या 6 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.3 कुछ आएगा, है ना, वन टाइम में जाएगा ना, सॉरी 1.66 कुछ, ठीक है, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटी ऑन, ठीक है, ये इतना हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में ग्रेविटेशन, ठीक है, सेकंड पार्ट वाज रिलेटेड टू फ्लोटेशन बायंसी, ठीक है, फ्लोटेशन, इसमें अपन क्या क्या चीजें पढ़ते थे, बायोन फोर्स क्या होता है, बायंसी क्या होती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है,
राइट। उसके बाद फ्लोटिंग एंड सिंक अपन पढ़ते थे ना, फ्लोट और सिंक, कौन सी बॉडी फ्लोट करेगी कौन सी सिंक करेगी। डेंसिटी पढ़ते थे, रिलेटिव डेंसिटी एंड डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी समझ लो और एक डेंसिटी। स्टार्ट में डेंसिटी से करता हूँ। चलो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी जस्ट लाइक मास वॉल्यूम जैसे है, वैसे डेंसिटी भी फिजिकल क्वांटिटी है व्हिच इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, किसी भी बॉडी का मास अपॉन उसका वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम। मास का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है मास का, किलोग्राम। और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब, हाइट का ऐसा यूनिट मीटर होता है ना, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। क्लियर है? तो डेंसिटी एक्चुअली बता रहा है कि आपका बॉडी का आप हो सकते हो इस तरह का कंपैरिजन करें पर कि वजन कितना है। जैसे अपन अगर दो चीजों की डेंसिटी कंपेयर करें तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर फ्लोट करेगा और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे रहेगा। हम जैसे ऑयल और वाटर की बारे में बात करते हैं ना। हाँ सर डेंसिटी मास को डिफाइन कर रहा है कि वेट? मास को डिफाइन कर रहा है, डेंसिटी इज नॉट डिफाइनिंग वेट, इट इज डिफाइनिंग मास है। ठीक है, फॉर्मूला भी देखो ना, अपन मास लेते हैं। ठीक है, ओके सर। तो क्या बोलना चाह रहा है, ऑयल और वाटर एग्जांपल दे। हमें पता है कि ऑयल जो होता है वो लेस डेंसर होता है वाटर से, इसलिए हम लोग ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं तो ऑयल ऊपर आ जाता है पानी नीचे रहता है, बिकॉज वो ज्यादा भारी है, डेंसिटी उसकी ज्यादा है वाटर की तो वो नीचे रहता है, और क्योंकि तो ऑयल की डेंसिटी कम है वो गलता है तो वो ऊपर है। इसकी दो यूनिट, एक तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब और दूसरी अपन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी यूनिट बोल सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर। और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, यहाँ पे अपन कंपेयर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हम वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का अपन पढ़े थे कि इट इज अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद क्या होता है ना, आपकी डेंसिटी पानी की जैसे 4 के नीचे आएंगे तो वो धीरे धीरे आइस बनना चालू होगा ना। ठीक है, तो उस केस में उसका वॉल्यूम बढ़ता है, जबकि हम पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, बट वाटर का थोड़ा नेचर अलग है, जब वो कूल होता है तो वो एक्सपायर होता है कि वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि आप डेंसिटी बाय डेंसिटी कर रहे हो तो दोनों का डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल। ठीक है, कमिंग ऑन टू बायोन्सी, बायोन फोर्स क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप पार्शियली या होली इमर्स करते हो पानी में तो एक अपवर्ड फोर्स लगता है उसको, दैट फोर्स इज नोन एज बॉयल फोर्स। उस ऑब्जेक्ट को एक अपवर्ड फोर्स लगता है, इसको आप अपथ्रस्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं, एक थ्रस्ट होता है, ठीक है, और एक अपथ्रस्ट होता है। थ्रस्ट आप बोल रहे हो एक तरह का फोर्स जो परपेंडिकुलरली लग रहा है, फोर्स को हम कोई भी एंगल में लगा सकते हैं, बट अगर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो आप तो उसको आप थ्रस्ट बोलते हैं, और अगर वो परपेंडिकुलर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो वो अपथ्रस्ट कहलाएगा। समझ रहे हो, मतलब आपका अगर ये एक बीकर है जहां पे आपने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ डाला है, राइट, वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, वो नीचे जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स वेट, अपने वेट के कारण नीचे जा रहा है, बट लिक्विड उसको एक तरह का अपवर्ड फोर्स दे रही है, इसी को बॉयंट फोर्स बोलते हैं, एंड द फिनोमिना इज नोन एज बॉयंसी। समझ रहे, ये नीचे आ रही है लिक्विड, दैट इज द बॉयंट फोर्स, सॉरी दैट इज द वेट ऑफ द लिक्विड, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसके कारण वो नीचे आ रही है, और लिक्विड जो है उसको एक तरह से अपवर्ड फोर्स दे रही है, दैट फोर्स इज नोन एज बॉयलिंग फोर्स। क्लियर है? इसके बाद अपन आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखे थे, है ना, इसका एक अपन एक एक्सपेरिमेंट देखे थे कि ऐसा कुछ देखना, यहाँ पे बीकर भी रख रहा हूं मैं, ठीक है, और यहां पर पानी फिल्ड है, ठीक है, एकदम लेवल पर, मतलब अभी वो जो पानी है वो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं है ना वहां पे। ठीक है, अब जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट को डिप करते हो, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, है ना, तो डिप करने के बाद यहां से कुछ पानी बाहर आएगा, आएगा,
तो इस जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है ना उतना ही वॉल्यूम ऑफ वॉटर नीचे आएगा, समझ रहे हो? अगर इसका वॉल्यूम वी मीटर क्यूब या वी सेंटीमीटर क्यूब है तो उतना ही पानी यहाँ पे बाहर आएगा। एक्चुअली ये हो रहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट को आपने पानी के अंदर इमर्स किया है होली या पार्शली, तो वो कुछ वाटर को डिस्प्लेस करता है। क्या करता है? कुछ वाटर को डिस्प्लेस। अब अगर ये बंद होता तो ये पानी ऊपर आता, लेवल बढ़ जाता पानी का, तो पानी सुजन तो डाले पत्थर, पानी आया ऊपर, तो वो पी गया पानी, है ना? तो वो यही तो कर रहा है ना, पत्थर डाल रहा है उससे पानी का लेवल ऊपर हो रहा है क्योंकि पानी डिस्प्लेस हो रहा है ना? तो यहाँ भी वही चीज हो रही है, पानी डिस्प्लेस हो रहा है। कितने वॉल्यूम से डिस्प्लेस होगा वो बताएगा कि वो सॉलिड का वॉल्यूम कितना, ठीक है? और इसका वे करोगे ना तो वे करता लिक्विड डिस्प्लेस का बराबर होगा आपका बॉयल्ड फोर्स, ठीक है? यही आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसके पास है, वो भी फॉर स्टेटमेंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। अच्छा इसी कॉपी में की हमने ऐसा कुछ सीखा था, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एंड अपेरेंट लॉस ऑफ वेट, और वो लॉस ऑफ वेट इसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। जब बॉडी ऊपर है ना, हमने ये भी देखा था कि स्प्रिंग बैलेंस लिया था, स्प्रिंग बैलेंस के अंदर पहले हमने बॉडी का वेट लिया। अच्छा एक और डिफरेंस इन दोनों के बीच में आप लोग कर सकते हैं ना, मास और वेट अपन लिखे थे ना, आ गया। मास इज मेजर्ड बाय अ फिजिकल बैलेंस, मास इज मेजर्ड बाय अ फिजिकल बैलेंस एंड वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस कुछ ऐसा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है स्प्रिंग बैलेंस। कुछ ऐसा, ठीक है? अब देखो आपको जिस भी बॉडी का वेट निकालना है ना, आप उस बॉडी को यहां टंगवा लो, तो ये नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है और यहां से आपको वैल्यू दिख जाएगी न्यूटन। देखो यहाँ पे न्यूटन लिखा हुआ, समझ रहे? तो न्यूटन में आपको उस बॉडी का वेट मिल जाएगा। अब आपने उस बॉडी को यहां टंगाया, आपको वेट निकल गया, फॉर एग्जाम्पल वेट इज 5 न्यूटन, इट इज 5 न्यूटन। अब आपने उसी लटकती हुई बॉडी को, यहाँ पे बॉडी को लटक रही है, अब आपने उसी लटकती हुई बॉडी को एक लिक्विड में डिप कर दिया, अभी भी वो लटक रही है, तो यहाँ पे अब उसका वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, अभी वो 5 न्यूटन था ना, पर क्योंकि नीचे गई तो अब उसको एक अपवर्ड फोर्स भी लग रहा है, उससे उसका वेट जो है वो कम हो जाएगा। अभी अपवर्ड फोर्स लग रहा है तो ये ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग भी ऊपर जाएगा, स्प्रिंग ऊपर गया मतलब वेट कम दिखाएगा। दिस शोज दैट कि देयर इज अ अपेरेंट लॉस इन वेट, अपेरेंट क्यों बोल रहे हैं कि ये रियल नहीं, रियल में तो इस ऑब्जेक्ट का वेट 5 न्यूटन है, पानी में जाने के बाद उस लिक्विड में जाने के बाद उसका वेट लेट्स से 2 न्यूटन दिखा रहा है, तो कितना लॉस हुआ 3 न्यूटन का, समझ रहे? इतना ही वेट लिक्विड का भी कलेक्ट हुआ होगा नीचे जब वो बाहर आएगी डिप करने के बाद, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसे स्टेटमेंट रीड करो, ध्यान से सुनना, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपेरेंट लॉस ऑफ वेट, थोड़ा वेट में लॉस होगा बिकॉज ऑफ बॉयल्ड फोर्स, फोर्स ऊपर की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है, तो कैंसिल करेगा ना, थोड़ा वक्त हम पढ़े ना कि अगर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स इज द डिफरेंस ऑफ द टू फोर्सेस, और अगर दो फोर्स सेम डायरेक्शन पे लगते हैं तो द रिजल्टेंट इज द सम ऑफ दोस टू फोर्सेस। याद आ रहे हैं फोर्स में पढ़े ना, कुछ फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में हमने पढ़ा है कि दो अगर दो फोर्स एक ही डायरेक्शन पे लग रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स दोनों का एडअप हो जाएगा, और अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे कौन से दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है उसका वेट और दूसरा फोर्स लग रहा है बॉयल्ड फोर्स, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपेरेंट लॉस हो जाएगा वेट का, रिजल्टेंट फोर्स दोनों का क्या होगा सब्ट्रैक्शन, तो आपका अपने आप स्प्रिंग बैलेंस ऊपर चला जाएगा, रीडिंग कम देगा। तो जो वो लॉस हुआ है ना वेट का, दैट लॉस इन वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये होता है आपका आर्किमिडीज। नहीं तो वहां पे कुछ फ्रिक्शन नहीं होता बेसिकली, ना थोड़ा आइडियल टाइप का मटेरियल देंगे जो बेसिकली एग्जैक्ट वेट हर चीज का शो करेगा, ठीक है?
इसमें अपन एक फॉर्मुला भी डिराइव किए थे एक्चुअली, अगर आप इसका आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक मैथमेटिकल रिलेशन निकालो तो वो क्या होगा, लॉस इन वेट कितना हो रहा है जितना बर्न फोर्स लग रहा होगा। देखो 5 न्यूटन नीचे से लग रहा है, 5 ऊपर से नीचे 5 न्यूटन लग रहा है, और बर्न फोर्स लग रहा होगा मान लो 2 न्यूटन, तो अब वेट कितना दिखा रहा होगा ऊपर, 5 - 2 दैट इज 3 न्यूटन, तो लॉस इन वेट कितना होगा 2 न्यूटन का, उतना ही तो आपका बर्न फोर्स भी है। FB यानी कि buoyant force is equal to weight of liquid displacement, ये है mathematical statement Archimedes principle का। buoyant force जितना लग रहा उतना ही loss in weight हो रहा, देखो ना 2 न्यूटन का buoyant force और नया रीडिंग कितना है 3 न्यूटन, लॉस कितना हुआ 2 न्यूटन का, उतना ही तो फोर्स भी लग रहा है, तो लॉस इन वेट इज इक्वल टू buoyant force, लॉस इन वेट इज इक्वल टू आप उस लॉस इन वेट की जगह बॉयंट फोर्स भी लिख सकते हो, है ना क्लियर? ठीक है, ये आपका एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। हमें पता है कि वेट क्या होता है, एम इंटू जी होता है, वेट क्या होता है एम इंटू जी, एफ बी buoyant force is equals to loss in या फिर weight of the liquid displaced, weight of the liquid displaced, उस liquid का weight क्या हो जाएगा, उसका mass into gravity m into g, और m क्या होता है volume into density, क्योंकि density होता है mass upon volume, तो mass क्या हो जाएगा v into g, ये put कर दो यहाँ पे, तो buoyant force कितना आया v d g, जहाँ पे v क्या है volume of that liquid displaced, d क्या है उस liquid का density, और जी तो आपका ग्रेविटी, ऐसे आप बॉयलिंग फोर्स निकाल सकते, ठीक है इतना ही तो था। बाकी वो फ्लोटेशन में वो है कि कौन सी बॉडी फ्लोट करेगी कौन सी बॉडी फ्लोट नहीं करेगी, ये एक लॉ लिखा था मैंने, लॉ ऑफ फ्लोटेशन कि द वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय, वो तो यही तो यही तो यही बोल रहे हैं, ठीक है लिक्विड अगर आप पूरी बॉडी को इमर्स करती हो तो उसका वेट किसके बराबर होगा, जितना वेट ऑफ लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया, आप कलेक्ट करो कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका वेट निकालो, वही आपके ऑब्जेक्ट का भी वेट, ठीक है। अब बाकी डेंसिटी के रेस्पेक्ट में अपन फ्लोटेशन बता सकते हैं कि जिसकी डेंसिटी लिक्विड से कम है, जिसकी डेंसिटी लिक्विड से कम है वो फ्लोट करेगा, और जिसकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है वो सिंक हो जाएगा। सेम चीज रिलेटिव डेंसिटी के लिए आरडी, आरडी की वैल्यू अपन कैसे निकाल रहे थे, डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वॉटर, राइट। अब जिसकी आरडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई थी, इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, अभी तक ग्रेटर देन 1 आएगा आरडी का वैल्यू, आरडी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, ऊपर न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए ना, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, तभी आरडी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट इसमें सिंक हो जाए पानी में, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी जिसकी ज्यादा लिक्विड से वो सिंक होने सिंक होगा, और अगर डेंसिटी कम है तो वो फ्लोट करेगा, ठीक है इक्वल में भी वो फ्लोट करेगा बट डिप होगा, डिप हो जाएगा और फ्लोट करेगा, पूरा सिंक नहीं होगा, सिंक होने का मतलब है उस बीकर के सबसे नीचे जाके बैठ जाना, उसको अपन कहते हैं सिंक, ठीक है। फ्लोट दो तरीके से हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और देखी थी हमने, हाँ वो नेल का एग्जांपल भी करना, नेल और शिफ्टिंग है ना, आयरन का ही दोनों बने हुए हैं, आयरन का ही वो नेल बना हुआ है, आयरन का ही वो शिप बना हुआ है, बट द शिप फ्लोट्स वेयर इज द नेल सिंक्स, उसका कारण क्या है बॉडी, क्योंकि दोनों की डेंसिटी तो सेम है ना, दोनों आयरन से बने हैं तो दोनों का आयरन का मटेरियल के हिसाब से डेंसिटी सेम होना चाहिए, बट क्योंकि वॉल्यूम कम ज्यादा है इससे डेंसिटी कम ज्यादा होगा, वरना वॉल्यूम से दोनों तो आयरन के बने तो दोनों का डेंसिटी सेम होना चाहिए, बट क्यों डेंसिटी अलग अलग हो जाता है दोनों का, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम अलग है, अगर आप डेंसिटी देखो तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और जिसका वॉल्यूम कम है उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो आयरन का वॉल्यूम कम होता है, आयरन कितनी जगह लेगा, सॉरी नहीं नेल कितनी जगह लेगा, वो भी जगह लेगा, वॉल्यूम कम है उसका तो इसलिए उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी, और वो शिप
शिप बहुत बड़ी होगी, अंदर शिप के अंदर थोड़ा स्पेस भी होगा, एम्प्टी स्पेस, जो वॉल्यूम बढ़ा रहा है शिप का, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आयरन शिप की डेंसिटी कम हो जाएगी एंड इट विल फ्लो टेबल होगा। सेम इज द रीजन विद आइस ऑल्सो, ना आइस बीइंग सॉलिड फ्लोट्स इन वाटर, राइट, क्योंकि उसका जो अंदर का केज केज लाइक स्ट्रक्चर है आइस का, उससे उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तभी ना डेंसिटी कम होगी, ठीक है, और डेंसिटी कम होगी मतलब वो फ्लोट है, मतलब हल्का है तभी ना फ्लोट करेगा, भारी हुआ तो रुक जाएगा, ठीक है, इतना अपन ने देखा था इस चैप्टर में। एक बार केपलर के तीनों लॉ भी बताए थे बात करते हैं ना, जिनके स्कूल में पढ़ाए होंगे वो एक बार देख लेंगे, अगर ऐसे सिलेबस में तो वो नहीं लिखा हुआ है बट ठीक है, एक बार देख लेते हैं केपलर के, ठीक है। तो केपलर के तीन लॉ होते हैं, एक है फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट, मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ आप लोग सुनना, स्टेटमेंट लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या होती है, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्स अभी बताया ना, एलिप्स होता है, उस समय मैंने बताया गया था कि ऑर्बिट का शेप भी इलेप्टिकल होता है, तो ऑल द प्लैनेट्स नॉट जस्ट अर्थ, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट्स, ठीक है, और एलिप्स में क्या होता है, दो फोकस होते हैं, एलिप्स जैसे एलिप्स में सेंटर नहीं होता, एलिप्स में क्या होता है फोकस, जैसे स्पीयर का सेंटर होता है, सर्कल का सेंटर होता है, बट एलिप्स में क्या होता है, दो फोकस होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ पे, तो एक फोकस को कौन ऑक्यूपाई करेगा, सन, बाकी प्लैनेट आपका ऐसे रिवॉल्व करता रहेगा अपने एक्सिस में रोटेट और सन के अराउंड रिवॉल्व, दिस इज द फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकेंड लॉ है आपका लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरियाज, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है ध्यान देना, ये रही ऑर्बिट इलेप्टिकल ऑर्बिट, ये रहा सन, ठीक है, और ये रहा आपका प्लैनेट, प्लैनेट यहां पे समझ लो वो रिवॉल्व कर रहा है, राइट, आपने देखा प्लैनेट तो यहां पे है, ठीक है, कुछ समय के बाद प्लैनेट यहां चला गया, ठीक है, तो इस प्लैनेट ने कितना एरिया स्वाइप किया, स्वीप किया, सॉरी इतना स्वीप मतलब ऐसा स्वीप, जैसे कार का वाइपर होता है ना, कैसे स्वीप करता है, सेम वे ये लाइन मान लो ये आपकी एक्सिस होगी ना, मतलब लाइन ज्वाइनिंग, आप इसको क्या बोलोगे, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू सन, इसने कितना एरिया स्वीप किया एट टाइम टी, ठीक है, अब मान लो प्लैनेट यहां पे, ठीक है, और उतने टाइम पे प्लैनेट यहां से यहां आ गया, राइट, तो यहां पे एरिया आपको, ये भी एक एरिया वन, मतलब यहां दो पोजीशन देख रहा हूं मैं प्लैनेट की, और उसी प्लैनेट की दो पोजीशन में थोड़ी देर बाद देख रहा हूं, टाइम दोनों का मैं सेम ले रहा हूं, तो एरिया स्वेप्ट विल बी ऑलवेज, तो हमेशा वो लाइन इक्वल एरिया स्वीप करेगा, ठीक है, देखो क्या होता है ना, यहाँ पे आपका प्लैनेट सन से बहुत दूर है और यहाँ पे प्लैनेट सन से बहुत पास है, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा एरिया स्वीप कर रहा होगा, बट ऐसा नहीं है, दिखने में दोनों अलग अलग टाइप के एरिया दिख रहे हैं ना, बट दोनों का वैल्यू सेम आए, अगर आप टाइम इंटरवल सेम सेम ले रहे हो तो टाइम इंटरवल पे हमेशा प्लैनेट विल स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, ये आपका सेकेंड लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ एरिया, एरिया आया ना, एरिया स्वीप निकाल रहे अपन, ये एरिया इस एरिया के बराबर है अगर टाइम इंटरवल हमने बराबर लिया, तो ये मान लो टाइम इंटरवल एक घंटे में आपने देखा कि प्लैनेट यहाँ था, अब यहाँ आ गया, फिर आपने वापस देखा यहाँ से भी आपने एक घंटे का टाइम इंटरवल लिया, तो प्लैनेट यहाँ से यहाँ आ गया, तो आपको लग रहा ना कि डिस्टेंस यहाँ कम कवर किया, यहाँ ज्यादा कवर किया, बट एरिया बराबर ही, एरिया इज इक्वल इफ द टाइम इंटरवल, ठीक है, थर्ड है, थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ पेरेंट्स, लॉ ऑफ पीरियड, पीरियड मतलब वो एक टाइम पीरियड,
टाइम टेकन टू रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम पीरियड बोल रहे हैं, ठीक है। तो लॉ क्या बोलता है कि आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस बोल लो या फिर रेडियस ही बोलना चाहिए, मीन डिस्टेंस। देखो हर बार डिस्टेंस अलग अलग है ना, प्लैनेट का सन से, ये इस समय प्लैनेट इज फार्देस्ट फ्रॉम द सन और इस समय प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन, तो हर बार ये डिस्टेंस आर अलग अलग आ रहा है, सबका मीन तो निकाल सकते हैं ना, एवरेज वो होता है स्मॉल आर, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, इट्स क्यूब इज, इट्स क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टू रिवॉल्व अराउंड द सन। लिख कर रहा हूं मैं, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल टाइम पीरियड, ऑर्बिटल टाइम पीरियड मतलब द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन इट्स ऑर्बिट, एक चक्कर लगाने में, जैसे हमारा अर्थ एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगा था, 366 अगर वो लीप ईयर है, अदरवाइज 365 डेज। अब आप टाइम निकालना चाह रहे हो तो आप उसको आवर्स में, सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, उसका स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्थ का डिस्टेंस फ्रॉम सन, वो भी मीन डिस्टेंस, बिकॉज अर्थ इज नॉट ऑलवेज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, कभी वो दूर है कभी वो पास, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके तीन लॉ है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, सेकंड है लॉ ऑफ एरिया, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, एंड थर्ड इज लॉ ऑफ पीरियड, द स्क्वायर ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली द क्यूब, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस of the planet from the sun is directly proportional to square of the time period, the square of the orbital time period, square of the time orbital time period. Clear? Three Kepler's के law होते हैं। इसके अलावा कुछ छूट तो नहीं है ना, law of gravitation हो गया, value of g हो गई, small g हो गया, है ना? फिर acceleration due to gravity g निकाल दिए, फिर पोल वाला इक्वेटर वाला हो गया, फिर डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी कैपिटल जी, फ्री फॉल के मैंने वो तीन इक्वेशन आपको बता दिए, फिर मास एंड वेट हो गया है ना, मास एट मून भी निकाला हमने और दोनों का डिफरेंस, मास और वेट का डिफरेंस, ठीक है। और इधर फ्लोटेशन में आएंगे तो वी स्टार्ट विथ फ्लोटेशन में हम स्टार्ट ही करते हैं थ्रस्ट से, थ्रस्ट अप थ्रस्ट बॉयड फोर्स बॉयंसी, ठीक है, फिर फ्लोटेशन, फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सर प्रेशर, प्रेशर प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, वो अपन ऐसा नहीं समझते कि प्रेशर जो है ना फ्लूइड हर डायरेक्शन पे इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है, हाँ बट हाइट के हिसाब से प्रेशर चेंज होता है, जैसे आप अगर ये रखते हो है ना, आप अगर यहाँ पे होल्ड कर रहा हूं मैं और फिर सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगा बिल्कुल, या फिर दूसरे बीकर में करते चलो उसको, यहाँ पे जब पानी जो बाहर निकलेगा ना यहाँ से, वो मान लो यहाँ गिर रहा है विद सम फोर्स प्रेशर से, ठीक है। पर अगर यही होल मैं थोड़ा नीचे करता हूँ यहाँ पे है ना, तो वो ज्यादा दूर तक जाए क्योंकि उसके ऊपर लिक्विड कॉलम ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। लॉ ऑफ रोटेशन फॉर सॉलिड बॉडीज, इसको अपने दोनों तरह से कंपेयर किया, डेंसिटी से भी और रिलेटिव डेंसिटी से, ठीक है, बस इतना ही करें बात करना, तो पहले टिश्यूज का क्वेश्चंस करेंगे फिर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में टिश्यूज आपको एक बार रिवाइज करके आ रहा हूँ, अपन टिश्यूज एक क्लास और देंगे फिर इसको भी एक क्लास और देंगे, ठीक है। कंफ्यूजिंग ऐसे अभी बहुत थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, आपको तीन टिश्यू इसमें पढ़ने हैं, चार टिश्यू एनिमल में पढ़ने हैं, इसके थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग हो जाता है, बड़ा हो जाता है। चलिए थैंक यू सर। हाँ सर, कल टेस्ट एक केमिस्ट्री में डाउट था।